मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। पिछले सप्ताह है प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा रखी थी, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके थे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तान इस बार बारिश की एक एक बूंद को अभी भी तरस रहा है। आलम यह है कि पश्चिमी राजस्थान के लोग इंद्र देवता को मनाने के लिए जतन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब लोगों को अकाल आहट सता रही है। चलिए अब जानते हैं पूरे राजस्थान का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट भी सुन लीजिए। बाड़मेर शहर से बड़ी खबर आ रही है। शहर के सबसे बड़ी कारोली नाडी में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के अनुसार 7 प्रकार के अनाज को इकट्ठा करके बकाला कर इंद्र देवता को प्रसन्न करने की कोशिश अब शुरू हो गई है। खैर चलिए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर अगले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की तरफ खिसकने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, और आज आपने देखा भी होगा हवाएं काफी तेज थी और ये पश्चिमी हवाएं थी, जिसकी वजह से आज राजस्थान के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी हो गई है। वैसे मौसम विभाग का मानना है कि 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है। इसके पीछे कारण है पश्चिमी क्षेत्र से गर्म हवाओं का आना। मौजूदा स्थिति में मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर अलवर ग्वालियर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिसकी वजह से आज शाम को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती, जैसे कि कोटपूतली, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, तिजारा, राजगढ़, मेहंदीपुर, बालाजी, इन क्षेत्रों में आज शाम को अचानक बारिश का स्पेल आ सकता है, लेकिन यह स्पेल लंबा नहीं होगा। देखिए इतने दिन जो पूर्वी राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही थी, मध्य राजस्थान में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, और इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर देखा गया। दरअसल यह सब इस सिस्टम की वजह से हो रहा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो आज कमजोर होकर सर्कुलेशन में बदल चुका, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान अब पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम दर्जे की ही संभावना है, और पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादा भारी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अभी भी 10 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है, जैसे कि बाड़मेर, सांचोर, सिरोही, इन जिलों के किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने कल के मौसम को लेकर जो मैप जारी किया है उसमें देख लीजिए, आपको जो हरा निशान है वहां कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, और जो राजस्थान के नक्शे पर पीला वाला निशान दिखाई दे रहा है वहां कुछ स्थानों पर अचानक बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी दर्ज की जा सकती है। यानी कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मात्र कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में समूचे राजस्थान में छिटपुट बारिश से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारी बारिश की संभावना काफी कम है। मौसम विभाग का कहना है कि दोबारा राजस्थान पर 18 या 19 तारीख के आसपास मानसून छा सकता है। तो यही थी प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।